ये मस्तानी की है, बचपन की ड्रेस क्या। हेलो डी व्यूअर्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप एवरीवन इज गुड। टाइम हो रहा है अराउंड 2 PM, काफ़ी लेट हो गए आज। अभी हम आए हैं दुबेला, यहाँ पर बहुत फेमस है। अगर किसी ने वो मूवी देखी हो बाजीराव मस्तानी, तो वो सारी जो सी स्टोरी है वो यहीं पे उसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। आपको मैं आगे आगे बताता जाऊँगा कि कैसे क्या सीन है इधर। ये इधर काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, जब का महल है तब के टाइम की है, 11वीं सदी। अच्छा, लिपि नागरी, अच्छा है, सुना है नाम नागरी लिपि। तो ये सब जो सी आप देख रहे हो ये मूर्तियाँ, ये इतनी ज़्यादा पुरानी है, 10वीं सदी 11वीं सदी, और कई कई मूर्ति थोड़ी ख़राब हो चुकी है, उनके फेस वगैरह टूट गए होंगे। मस्तानी जो थी उनकी मुगोली बेटी शरणदाई थी उनमें। तो ये ड्रेस किसकी है? मतलब ये अपन ऊपर पहनना ना, कोटी वगैरह। अच्छा, वो है कोटी सब पहनते। ये वही ड्रेस मस्तानी। ये मस्तानी की है, बचपन की ड्रेस क्या। गर्म जैसे अपना कोटी तो पहले कोटी सर्दियों वास्ते। अभी हमने अंदर जौन सी भी ड्रेसेस देखी, वो थे महाराजा छत्रसाल और उनकी मुंहबेली बेटी थी मस्तानी, उनकी ड्रेसेस थी। अभी हमने जौन सी भी देखी और इतनी सारी और इतने साल पुरानी है, संभाल कर रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। ये वाली थोड़ी मेन चीज आ गई, आर्म्स गैलरी, जौन सी उनके शस्त्र होते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये उनकी तलवारें और ये जिससे बचाव करते थे। एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये मुझे ऐसे लग रही है ये नॉर्मल तलवारों से काफ़ी बड़ी है थोड़ी साइज़ में, तो मतलब उनकी भी हाइट कितनी होती होगी राजे महाराजों की, और कितने ताकतवर होते होंगे। और अब आ गई ये बंदूक, ये बंदूक देखो यहाँ से शुरू होती है, ये पूरे फ्रेम के कोने तक इतनी लंबी ये बंदूक है एक। वाह, तो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी तो देखी होगी, और अब मैं आपको बताता हूँ जो सी बाजीराव मस्तानी के पीछे स्टोरी है वो सब है इस एरिया के रिलेटेड। और मुझे तो ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं, पर मेरे साथ है मेरे कज़न सिस्टर, इनका नाम तनु दिया, हम सब प्यार से बोलते हैं, तो इनको थोड़ी हिस्ट्री पता है, ये आपको बता देंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये मस्तानी का महल है, जो महारानी मस्तानी थी वो यहाँ पर यहाँ की रहने वाली थी, और ये उनका पूरा महल है, ये आप देख सकते हैं। और जो बाजीराव मस्तानी जो मूवी बनी हुई है, वो मस्तानी यहाँ से बिलोंग करते थे, और जब वो 52 जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पे जो महारानी थी वो यहाँ से पुणे महाराजा के पास गई थी और ऑफर लेके कि ये हमारी जो लड़ाई है इसमें हमें जीत के लिए आप प्लीज़ हमारे साथ आके लड़े, बिकॉज़ उनके जो पिताजी थे उन्होंने प्रण ले लिया था कि आगे की अब कोई भी लड़ाई वो नहीं लेंगे, उन्होंने अपने गुरुजी को एक वचन दे दिया था, इसलिए उन्होंने आगे लड़ाई के लिए उनसे मदद मांगी थी। और आगे आपने मूवी देखी हुई है कि कैसे मस्तानी बाजीराव से मिली है। जो सी रानी नहीं थी महाराजा की वाइफ थी, वो उनका ये मकबरा है, यहाँ पर उनकी समाधि है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर।
वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है यार। ये ऊपर जाने का रास्ता लग रहा है, बड़ा स्केरी सा लग रहा है, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा। चलते हैं फिर भी। तो बस ये थी आज की स्टोरी, मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूनिक लगी हो, बॉलीवुड जैसी लगी हो, तो लाइक करके जाना।